अभी का रूटीन अलग है, सडनली रूटीन चेंज हो रहा है, अब हम कैसे मैनेज करेंगे। ओह माय गॉड, नेल्स बड़े हुए हैं, नेल पेंट भी लगा हुआ है, जल्दी से निकालना पड़ेगा। ओह गॉड, स्कूल खुलने वाले हैं और इतना सारा होमवर्क है, कैसे करेंगे। स्कूल का बैग, यूनिफॉर्म सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है। न्यू नोटबुक्स लेनी है, बुक लेना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ प्रज्ञा एंड यू आर वाचिंग द ग्लैम हैक्स। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं आज लेके आई हूँ बैक टू स्कूल रूटीन। सो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। तो फर्स्ट वीडियो जो है ये होगी कि आपको स्कूल शुरू होने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है, एंड सेकंड वीडियो जो होगी स्कूल शुरू होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उस चीज़ के ऊपर होगी। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो पहले से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करके बन जाओ हमारी छोटी सी फैमिली के मेम्बर। एंड बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का बैग, यूनिफॉर्म सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है, स्कूल कैसे जाएंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो स्कूल खुलने से पहले आपको ये करना है कि आपको जो भी आपके यूनिफॉर्म हैं, आपके बैग हैं, आपके शूज़ हैं, उन सबको क्लीन कर लेना है और अच्छे से अरेंज करके एक जगह पे रख देना है ताकि जब आप स्कूल के लिए रेडी हो तो आपको लेट ना हो। न्यू नोटबुक्स लेनी है, बुक लेना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सेकेंड जो है वो है स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपके पास स्टेशनरीज़ हैं तो ठीक है, उनको ही आप ऑर्गेनाइज़ कर लो। मे भी आपके पास स्टेशनरीज़ ख़त्म हो गई हों, स्कूल जाना है तो आप अपने लिए न्यू न्यू कॉपीज़, न्यू न्यू बुक्स एंड नए सेशन में नई नई चीज़ें लेकर के जाना हर स्टूडेंट को अच्छा लगता है। तो आप अपनी सारी चीज़ें जो है वो ख़रीद करके एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर लो और स्पेशली आपके जो स्कूल ले जाने वाली चीज़ें हैं उनको आप अपने स्कूल बैग में ही रख दो। ओह गॉड, स्कूल खुलने वाले हैं और इतना सारा होमवर्क है, कैसे करेंगे। नेक्स्ट है होमवर्क। तो आपका अभी तक क्या है, ऑनलाइन क्लास चल रहा था और अब आपकी क्लासेस जो हैं आपके टीचर्स सामने बैठ कर के लेंगे और आपको उनको अपना होमवर्क भी चेक कराना पड़ेगा। तो अभी तक जितनी भी लापरवाही हुई है वो सब अब नहीं चलेगा। तो आपके जितने भी होमवर्क हैं उनको कंप्लीट करो एंड स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। एंड होमवर्क में सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, आपको होमवर्क में रिवाइज़ भी करना है, क्योंकि जब आप क्लास में सबके सामने होते हो तो टीचर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करती हैं तो आप उनका आंसर दे सको, इतना तो आपको एटलीस्ट रिवाइज़ करना ही है। तो जो भी आपके टीचर्स ने अब तक पढ़ाया है उन सब को रिवाइज़ भी कर लो। ओह माय गॉड, नेल्स बड़े हुए हैं, नेल पेंट भी लगा हुआ है, जल्दी से निकालना पड़ेगा वरना टीचर बहुत गुस्सा करेगी। नेक्स्ट है पर्सनल केयर। तो पर्सनल केयर का ये मतलब नहीं है कि आपको ब्यूटी पार्लर जाना है या आपको बहुत ज़्यादा अपने कपड़ों को अपडेट करना है, ये सब चीज़ें नहीं है। स्कूल तो आप यूनिफॉर्म पहन के ही जाओगे। तो पर्सनल केयर में आपको वो चीज़ें करनी है जो स्कूल के रूल्स में होता है, जैसे कि आपके नेल्स बड़े हुए नहीं होने चाहिए, अगर आप बॉयज़ हो तो आपके हेयर ज़्यादा बड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पर्सनल केयर में करना है। तो अच्छे से आपको आपके हाथ पाँव क्लीन करके तभी स्कूल जाना है। अभी का रूटीन अलग है, सडनली रूटीन चेंज हो रहा है, अब हम कैसे मैनेज करेंगे। एंड लास्ट में आता है सबसे ज़रूरी काम, वो है आपका टाइम टेबल। तो नेक्स्ट डे से या कुछ दिन बाद आपका स्कूल खुलने वाला है तो आपको उसके लिए एक टाइम टेबल बना लेना है जिसके अकॉर्डिंग आप आगे चल के काम करोगे। तो आपका स्कूल कितने से कितने बजे तक का होने वाला है, मे बी आपका स्कूल हाफ डे के लिए चले या आपका स्कूल जो है ऑल्टरनेट डेज पे चले, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल मेंटेन कर लेना है। सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी है इसी के ऊपर होने वाली है कि किस तरीके से आप अपना रूटीन सेट करो स्कूल ओपन होने के बाद, किस तरीके से आप अपने आप को सारे जो वायरस हैं, इन्फेक्शन है, उनसे भी बचा के रखो। पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस बार का जो बैक टू स्कूल है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है आप बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर लो। एंड आज का मेरा ये क्वेश्चन है कि स्कूल ओपन होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या होता है। तो कोई भी एक चैलेंज, कोई भी एक टास्क आपको जो भी लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ होता है, आप वो मुझे कमेंट करके बताओ, मे बी मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।